कल हम लोग जा रहे हैं बाहर एक ट्रिप पे, और अभी तक तो भाई हमारी ट्रेन आई नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। इसके साथ कभी मत आना कुत्ते, कभी मत आना भाई। ऐसा है सब माँ बाबा में, ऐसा है भाई। तुम बताओ मैंने कुछ किया ऐसा? तो ये कितना अंदर तक है भाई? ये झाजरा रेंज है। सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं आपका भाई प्रियंशुपाल आ गया हूँ फिर से ब्लॉग लेकर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आप लोगों को पहले तो मेरी आवाज़ गूंज रही होगी और थोड़ा बैकग्राउंड अलग लग रहा होगा। तो गाइस, सबसे पहले ब्लॉग बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था, ठीक है ना। और दूसरी बात, आज मेरे पापा की एनिवर्सरी भी थी तो इसलिए नहीं कर पाया। और बाकी कल का क्या सीन है? कल हम लोग जा रहे हैं बाहर एक ट्रिप पे, उसको ट्रिप कह लो या काम कह लो। एक्चुअली मैंने एक जगह ऑडिशन दिया था लव एंड वॉर का, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है मेरा, तो उसका ऑडिशन भी है। और अभी फिलहाल देहरादून जा रहा हूँ और मेरे संग मेरा भाई भी एक देवांश और केशव, उसमें देवांश का भी सिलेक्शन हो चुका है। तो भाई ये लोग हैं, क्या हाल है भाई? तो भाई ये लोग भी जा रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ केशव के घर पे क्योंकि कल सुबह की हम लोग की ट्रेन है। तो मैं कहा चलो हम लोग अभी रात में रुक जा रहे हैं, उठने में भी आसानी होगी। तो फिलहाल अभी तो स्टार्टिंग यही है, बाकी सुबह हमारी 7 बजे की ट्रेन है। अभी जल्दी से खाना वाना, तो हमें खाना तो मैं खा चुका हूँ, पापा की एनिवर्सरी थी। बाकी भाई लोगों ने नहीं खाया, भाई बिरयानी लाया है भाई, इन्हें ऑनलाइन मंगा लिया भाई, ये देख लो। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो बस जल्दी से जाते हैं, कुछ दिखाने को है नहीं, मिलते हैं कल सुबह। सो गाइस, मैं आपको पता ही है कि दोस्ती अनुभव हूँ, तो उसके लिए मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ। इतने कम टाइम में इतनी अच्छी लगी ना, मेरे को मन कर रहा है साथ में ले जाऊँ। तो ये देखो, ये देख यार, ये भाग गई यार। आओ 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 आओ, ये पता बहुत प्यारी थी, मतलब ये बहुत सीधी है। और इसका नाम पता नहीं क्या है, इसका नाम है मिली। तो कहाँ गई यार ये? चली गई यार ये, अगर ये फिर से मिलती है तो मिलवाता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 5:15 और हमारी जो ट्रेन है वो 6:45 की है। और अभी एक मीटिंग हो गई थी। क्यों भाई, क्या हुआ? भाई पापा ने रोक के कह दिया नहीं जाना। पापा ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं जाने क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी ना बहुत तेज़ी से, इसलिए। और ये बोला इसने बोला अब तो मैं जाऊँगा, और इसने बहुत मनाया। फिर इसलिए पापा ने बोला क्या जाना ही नहीं जाना, तो बोला पापा अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट दोस्तों को छोड़ाऊँगा जल्दी से, हल्के से कट लिया। तो हम लोग जल्दी चल रहे हैं जंक्शन। अभी हम लोग जल्दी इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि हम लोग गाड़ी पार्किंग पे, हाँ अभी चाय वाय पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, जल्दी से पहुंच जाए, फिर मिलते हैं। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है? गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी ट्रेन जो थी 6:45 की थी, और अभी टाइम हो चुका है 7:45। और अभी तक तो भाई हमारी ट्रेन आई नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेन हो चुकी है लेट। और भाई का जो रिजर्वेशन मैंने बोला था कि हम लोग कराना है, वो भी हो नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन वाला जो टिकट होता है वो पहले से होता है, और अगर अभी कराना है तो भाई 8 बजे के बाद होगा। और हमारी ट्रेन का वैसे अराइवल टाइम तो 8 बजे है, बट अब देखते हैं, नहीं हुआ ट्रेन, अगर नहीं हुआ टिकट तो भाई ऐसे ही बिठाना पड़ेगा फिर। पर देखते हैं TT से क्या बातचीत होती है। तो ठीक है, जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल तो बस अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, मिल जाए फिर मिलते हैं आपको। इसलिए हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और हमको बैठे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों ने आधा सफ़र पार कर लिया है और अब ट्रेन में तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, बाकी हम जैसे हम लोग पहुंचते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जैसे भी जो भी सीन रहेगा, ठीक है। बाकी तब तक आप सिनेमैटिक इन्जॉय करिए। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। और भाइयों ऐसा है कुछ हरिद्वार का स्टेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख ही रखा होगा काफी लोगों ने, मतलब जो लोग आए होंगे। तो भाई पहाड़ भी देखो पीछे आपको दिख रहे होंगे, स्टार्ट हो चुके हैं, पहाड़ भी दिखना, ठीक है। और अभी क्या है, जैसे यहाँ पे आने से क्या हुआ है, पूरी की पूरी ट्रेन हो चुकी है खाली। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, ये देखो ये देखिए पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। और हम लोग बैठे थे इसमें, पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, आराम से जाओ मौज करते हुए, है ना भाई, सही बात है कि नहीं? तो पूरी पूरी ट्रेन खाली है, आराम से जाएंगे। और फिर भी इनमें लड़ाई हो रही है कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा।
ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा है सब माँ ऐसा है। सब मेरे को मैसेज करो, सब चलो मेरे संग ट्रिप पे। हाँ सब चलो, जो भी हो तुम्हारे। भाई तुम बताओ मैंने कुछ किया ऐसा? पता नहीं। चलो भाई यहाँ से भी ट्रेन चल चुकी है, अब जल्दी से मिलते हैं देहरादून जाके। ओके to end it all on the weekend sorry that I feel that way sometimes sorry that I feel that way sometimes oh oh yeah you don't really wanna know me hanging in the corner so guys जैसे कि आप लोगों को पता था वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी तो हम लोगों ने सीधा ऑटो कर लिया था और यार ऑटो हमें प्रेमनगर कोई होगा यहां पर वहां तक करना था और उसके पीछे IMA पड़ता है, IMA इंडियन मिलिट्री कुछ करके ऐसे है। तो सक्षम ने कहा था, सक्षम के घर से हम घर जा रहे हैं तो उसने कहा था कि भाई मुझे कॉल कर देना, मुझे लगा वहाँ उतरना है तो भाईयो मैं तो वहाँ उतर गया, क्या हो गया तो लगवा दिया ताले आज। तो गाइस अब हम लोग प्रेमनगर थाने तक पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि वो सामने ही है। बरेली वाला प्रेमनगर थाना नहीं है, ये देहरादून वाला प्रेमनगर थाना है। बहुत लंबा दिखाओ आगे, पता नहीं आगे आगे थोड़ा सा आगे ऐसे सुनने में आई है। बाकी चलते हैं पैदल पैदल और जो भी होगा पहले घर चल लें फिर दिखाते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी प्लेस पे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सक्षम के यहाँ रुकने वाला हूँ। तो भाई ये हमारा बाबू अभिषेक, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बिल्कुल। और भाई है ये सक्षम आनंद, ओहो क्या हाल है। तो भाई मेरे साथ देखा मैं बहुत उल्टा बोल रहा हूँ। अच्छा कैसा लग रहा है? मैं इससे पूछने से बहुत परेशान था। अच्छा लग रहा है। तो भाई सक्षम ने चाय बना के दी है अभी सबको। तो अभी मैं आपको पूरा टूर दे दूंगा कि हम लोग अभी रह कहाँ रहे हैं और छत वत का भी। अभी पहले आए हैं, थोड़ा थक वक गए, रेस्ट वेस्ट कर लें, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे, छत का व्यू देखने। क्या हो गया? ओहो भाई क्या बात है भैया। ऐसे सच बताए ऐसे जंगल है तो इसमें कुछ पीछे से आता नहीं इसको सामान वामान कुछ? इधर आ, हाँ वो बंदर बैठा है उधर। हाँ हाँ वहाँ से सियार घुस के आता है मेरे कमरे में। कमरे के बाहर हमारे धक 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 सियार की पूछ, उससे रात में आती है भौंकने की आवाज। हाँ भाई सियार बोलते, सियार जानते हो क्या होता है? नहीं मैं नहीं जानता। सियार वो छोटा सा कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता। अरे वो होता है यार फॉक्स, फॉक्स जिसे कहते हैं। फॉक्स तो लोमड़ी होती है। अच्छा तो सियार होता है। अरे लो तो ये कितना अंदर तक है? तो गाइस ये देख लो, ये है यहाँ कुछ व्यू। और ये किधर कौन सा एरिया पड़ता है? ये पड़ता है हमारा मांडू वाला। मांडू वाला? अच्छा मांडू वाला। ओए पांडू, ओए तू पांडू है सुनिया। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा साउंड बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये लोग फ्लैट में रहते हैं, बस अपार्टमेंट में रहते हैं। बट इंजॉयमेंट होनी चाहिए, जो दोस्ती में इंजॉयमेंट होती है वो देख लो आप लोग। हर इंसान आज नहीं, फुल मौज होनी चाहिए भाई। ये गुजरिया अभी तो मैं आ चुका हूँ घर और इस ब्लॉग की जो लास्ट क्लिप थी वो कहीं खो गई थी तो इसलिए मुझे ये डालनी पड़ रही है। और ये मत सोचना कि अभी वीडियो खत्म हो चुकी है, इसका एक और पार्ट आएगा, वो बहुत बहुत बढ़िया आने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना? और वो वाली मैं अब जस्ट एडिट करूंगा इसको खत्म करने के बाद। तो ठीक है फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।